नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे CorelDraw में टैब सेटिंग के बारे में। देखिए, सभी जनरल जितने भी टैब्स एडिटर सॉफ्टवेयर होते हैं सभी में टैब्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे टैब्स को इंडेंट के नाम से भी जाना जाता है, चाहे वो पेज मेकर हो, चाहे आपका कोड हो, चाहे एमएस वर्ड वगैरह हो। तो जनरल जितने भी टैब्स एडिटर सॉफ्टवेयर होते हैं सभी में टैब्स का यूज़ होता है। हम आज टैब लगाना सीखेंगे CorelDraw में, किस तरह से टैब्स का यूज़ किया जाता है और कितनी तरह की होती है, इनमें लेटर्स का प्रयोग कैसे किया जाता है, लेटर के ऑप्शंस को चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, टैब्स जो लगाते हैं वो पर्टिकुलर लोकेशन पे कैसे फिक्स करते हैं, टैब्स के जो अलाइनमेंट होते हैं, जैसे लेफ्ट टैब लगाना है, सेंटर लगाना है, राइट लगाना है, डेसिमल टैब्स वगैरह लगाना है, ये सारी चीज़ें देखिए। तो देखिए, टैब्स का प्रयोग करने के लिए सबसे पहली बात है कि आपका जो टैब्स का जो कमांड है वो आपको मिलेगा टेक्स्ट और ये आपका टैब्स। अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कोई भी टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट नहीं कर रखा। जब तक आप टेक्स्ट टूल के द्वारा कोई टेक्स्ट एरिया नहीं सेलेक्ट करेंगे तब तक आपका ये टैब कमांड हाईलाइट नहीं है। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है, यहाँ पे देखिए आप दिखाई दे रहा आपको कम्प्लीटली। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख रखा है, इसमें मैंने एक सिंपल टैब लगा रखी, एक टैब यहाँ पे लगाई मैंने, एक यहाँ पे लगाई, एक यहाँ पे लगाई और एक यहाँ पे लगाई। तो इसी तरह से मान लीजिए कि आपको सेम मैटर लिखना है और इसी तरह से आप टैब्स का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता दूँ। मैं इस फ्रेम को थोड़ा साइड में रख देता हूँ, यहाँ पे उठा के बिल्कुल, और ये टेक्स्ट टूल लिया मैंने और मैंने ये जगह सेलेक्ट किया लिखने के लिए, यानी कि मैंने टेक्स्ट टूल लिया और इस तरह से माउस को क्लिक करके ड्रैग किया और ये मैं टैब सेटिंग के लिए मैंने जगह सेलेक्ट कर दी। और देखिए, सबसे पहले हमें सीरियल नंबर लिखना था तो मैंने सीरियल नंबर लिखा इस तरह से। अब मेरे को इसमें कुल मिला के एक दो तीन चार टैब्स थी, तो टैब लगाने के लिए मेरे को टेक्स्ट और यहाँ पे टैब वाले बॉक्स को क्लिक कर देना है। जो ही मैं टैब बॉक्स पे क्लिक करूँगा ये पूरा बॉक्स आपके सामने आएगा। अब देखिए, CorelDraw में जब भी हम बाय डिफॉल्ट जगह सेलेक्ट करते हैं और टैब बॉक्स को देखते हैं तो यहाँ पे 0.55 पे ऑलरेडी टैब्स लगी हुई रहती है। एक्चुअली जो अगर आपको ये रूलर अगर दिखाई दे रहा है तो रूलर में देखिए आपके ये देखिए 0.5, फिर एक पे, फिर डेढ़ पे, फिर दो पे, फिर ढाई पे, तीन पे, बाय डिफॉल्ट लगी रहती है इसमें, यानी आधा आधा इंच पे इसमें टैब्स लगी हुई रहती है। मेरे को इनको सभी को क्या कर देना है, रिमूव कर देना। ये देखिए, मैंने सभी टैब को रिमूव कर दिया तो यहाँ से सारी टैब्स रिमूव हो गई। अब मेरे को टोटल देखिए आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ये चार टैब्स चाहिए। सबसे पहले तो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा चार टैब्स कितने डिस्टेंस पर, किस किस लोकेशन पर चाहिए। तो देखिए, आपने जो ये टैक्स सेलेक्ट किया था यहाँ से लेके यहाँ तक, वो देखिए यहाँ से दिखा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक आपका वर्किंग अप्रॉक्स मान के चलिए 7.5 इंच तक आपका एरिया सेलेक्ट कर लिया। और मैं चाहता हूँ पहली टैब मेरे को दो पे लगानी है, दो लिखा और यहाँ पे ऐड क्लिक कर लूँगा तो ये पहली टैब देखिए यहाँ पे 2 इंच पे लग गई। अब मैं मान लीजिए 3 इंच पे लगाना चाहता हूँ मैं पहली टैब, तो यहाँ पे मेरे को 3 नहीं लिखना है क्योंकि इस CorelDraw में क्या होता है, टैब पहले वाली टैब में जुड़ जाती है, यानी प्लस हो जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि 3 पे लगाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 इंच लिखूँगा और ऐड कर दूँगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए आपके सामने 3 पे लग गई। ये देखिए 3 पे लग गई, दो टैब लगा दी मैंने। फिर मेरे को मान लीजिए कि जो थर्ड टैब है वो भी 1 इंच पे लगानी है, ऐड कर दूँगा तो देखिए 4 पे लग गई। अब जो लास्ट ये अमाउंट के लिए मेरे को ये 4 नंबर पे लगानी है, तो 4 नंबर वाली जो टैब्स है वो मेरे को मान लीजिए 1.5 इंच की दूरी पे चाहिए, यानी कि क्वांटिटी और अमाउंट के बीच में 1.5 इंच का गैप होना चाहिए, तो यहाँ 1.5 ऐड करके ऑटोमेटिक ये देखिए 5.5 पे ये टैब लग गया। ओके करूँगा, कीबोर्ड में से आप टैब प्रेस करिए, कर्सर ऑटोमेटिक जो आपका देखिए टैब लगा हुआ है उसके नीचे ऑटोमेटिक अलाइन हो गया, देखिए हो गया अलाइन। यहाँ पर मेरे को सीरियल नंबर यहाँ पर मेरे को आइटम नेम लिखना है, आइटम नहीं लिखा। फिर मेरे को नेक्स्ट जो आपने नेक्स्ट टैब लगाई थी यहाँ पे देखिए 3 पे, इस पर जाने के लिए कीबोर्ड से आप टैब प्रेस करें, ऑटोमेटिक कर्सर मेरा नंबर 3 जो 3 नंबर पे लगाई है यानी 3 इंच की दूरी पे लगा वहाँ पे आ गया। एक्चुअली देखिए यहाँ मेरे को रेट लिखना है, रेट लिखना
फिर मेरा क्वांटिटी लिखना है, तो क्वांटिटी के लिए वापस कीबोर्ड से टैब प्रेस करूंगा, देखिए क्वांटिटी यहाँ चार नंबर पे लगाया था, ये चार नंबर पे आ गया, क्वांटिटी लिखा। फिर मेरे को अमाउंट के लिए मेरे को टैब प्रेस करना, जो भी मैं अमाउंट के लिए प्रेस करूंगा देखिए ये आ गया, देखिए 5.5 पे आ गया, और यहाँ पे जो भी अमाउंट है अमाउंट लिखा, एंटर प्रेस किया, सी नंबर मान लीजिए 1 है, आइटम नेम जो भी हो, मोबाइल रेट मान लीजिए रेट मैंने यहाँ पे 1500 लिखा है, तो मैं 1500 लिखूँ, क्वांटिटी 2 पीस है, अमाउंट 3000, एंटर प्रेस किया, 2 नंबर है, फिर आपका जो भी आइटम है अमाउंट जो भी आपका हो, ये आपने अमाउंट राइट किया, क्वांटिटी 1 है और ये आपका अमाउंट, इस तरह से आपका फिर एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक ये इस तरह से चलता रहेगा। यानी कि आपको केवल फर्स्ट लाइन में टैब लगानी है, उसके बाद में सेकंड लाइन में तो केवल एंटर प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिक वो सेकंड लाइन में अपने आप चले जाते हैं। अब मान लीजिए ये टैब देखिए, ये गैप आपको लगा कि गैप बहुत ज़्यादा हो, इसको कम करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, और देखिए यहाँ पे देखिए रूलर में ये जो 2 नंबर पे जो एल बना हुआ है ये आपका फर्स्ट टैब है, इसको पकड़ के जिधर लेके जाएंगे ऑटोमेटिक आपका मैटर शिफ्ट हो जाए, इसलिए मैंने इसको 1 पे कर दिया, देखिए ये 1 पे हो गया। आपको लगता है ये थोड़ा सा रेट भी आपका लेफ्ट साइड मूव करना है, तो ये वही 3 पे जो टैब लगा है उसको पिक करें और हल्का सा ड्रैग इस तरह से। आपको लगता है लास्ट में जो अमाउंट लिखा है थोड़ा सा राइट हैंड शिफ्ट करना है, तो ये राइट हैंड शिफ्ट करें इस तरह से। तो ये एक नॉर्मली टैब लगाना हमने सीखा, तो इस तरह से आप टैब्स का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते देखिए, ये देखिए नेम एफ नेम एड्रेस, इसके आगे ये डॉट डॉट है, इसे कहते हैं लीडर लगाना। मान लीजिए कि आपको भी इसी तरह से लीडर लगाना है, कुछ फॉर्म्स वगैरह बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या देखिए मैं इस जो टैग्स लिखा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मैं वापस जगह सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपको बना के दिखा रहा हूँ। इस तरह से मैंने जगह सेलेक्ट किया, मेरे को नेम लिख देना है। अब इसके बाद में आगे मेरे को लीडर स्टार्ट करना है, तो देखिए मैं वापस टैब्स वाले बॉक्स में जाऊँगा, टैब को ओपन करूँगा, और जितनी भी देखिए मैंने कहा था जस्ट अभी आपसे कि जितना भी ये टैब्स वगैरह लगा हुआ है पहले से 0.55 पे, यानी 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच, इन सभी को रिमूव ऑल कर देना। अब आपको लीडर लगाना है, कहाँ तक लीडर लगाना, अभी देखिए जगह सेलेक्टेड अप्रॉक्स वही अप्रॉक्स 7.4 इंचेस के करीब है, तो आपने कहा कि भाई हमें यहाँ 6 इंच तक लीडर चाहिए, तो यहाँ पे 6 इंच एंटर करिए, ऐड करिए। अब देखिए लीडर यहाँ पे अभी ऑफ है, यहाँ पे क्लिक करिए और उसे ऑन कर दीजिए लीडर को, ओके करिए, कीबोर्ड से टैब प्रेस करिए, देखिए लीडर आ गया। फिर आपने एफ नेम लिखा, टैब प्रेस करिए, टैब प्रेस किया, यानी कि इस तरह से आप लीडर का यूज कर सकते हैं। करना है क्या है, क्यों आप सिंपल से मैं वापस डिलीट कर देता हूँ, इस टैक्स हैंगर को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। टैक्स टूल लेना है, जगह सेलेक्ट करना आपको इस तरह से, पहले एन ए एम ई नेम डिफॉल्ट लिख दीजिए, टैक्स टूल में आइए, टैब पे क्लिक करें, जो पहले से सारा टैक्स लगा है इसको रिमूव कर दीजिए, आपको कहाँ तक लीडर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ तक आपने जगह सेलेक्ट किया, आपको मान लें यहाँ 7 इंच तक रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्यों 7 राइट करिए, ऐड करिए, और लीडर जहाँ ऑफ है उसको ऑन करिएगा, ओके करिए, कीबोर्ड में इसे टैब प्रेस करें, तो देखिए लीडर आ गया। फिर एंटर, एफ नेम, टैब, एड्रेस, और अगर इसके आगे और भी अगर आपको राइट करना है तो कंटिन्यू एंटर टैब, एंटर टैब करिए, ऑटोमेटिक लीडर आगे ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो इस तरह से हम लीडर्स का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ में देखिए यहाँ पे देखिए बताया गया नेम है, उसके आगे लीडर है, फिर ऐप नेम है, फिर लीडर है, फिर फोन है, फिर लीडर है, फिर सिटी है, फिर लीडर। अगर मान लो इस तरह से आपको कुछ वर्क करना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए मैंने इसको डिलीट कर दिया है, आप जगह सेलेक्ट करिए इस तरह से, नेम लिखिए एन ए एन, और आप टेक्स्ट में आ जाइए, टैब पे क्लिक करें,
इन सभी टैब को वैसे रिमूव कर देनी है। पहली टैब आपको कहाँ, पहली टैब मान लीजिए आपको यहाँ पे 3.5 पे चाहिए तो 3.5 लिखिए, ऐड करें। फिर लास्ट टैब आपको 7 पे चाहिए तो यहाँ पे 3.5 को ही ऐड कर दीजिए तो ये 7 पे लग जाएगा। दोनों में लीडर को आप ऑन कर दीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके, ओके करिए, टैब प्रेस करिए। देखिए लीडर आ गया और आपका टैब 3.5 पे स्टॉप हो गया। ऐप नेम यहाँ लिखिए, टैब प्रेस करिए, लीडर आ गया, एंटर प्रेस करिए, सिटी, टैब, फोन नंबर। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं टैब्स, यानी कि आप एक से ज़्यादा लोकेशंस पे टैब लगा सकते हैं और लीडर का प्रयोग भी कर सकते हैं। कोशिश करिएगा, समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, देखिए लेफ्ट, सेंटर, राइट और डेसिमल, ये सभी टैबें अभी लेफ्ट से स्टार्ट हो रही थी और राइट में जा रही थी। जो भी हमने वर्क किया वही लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब हम यहाँ पे सेंटर टैब का यूज़ देखेंगे। सेंटर टैब का मतलब देखिए यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और ये रवि कुमार है, टेलीफोन नंबर है और जयपुर, ये सारे के सारे सेंटर अलाइन है, ये आपके सारे के सारे सेंटर अलाइन है ये सारे। तो अगर आप इस तरह से टैब लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, पहले से लिखा हुआ मैटर मैं डिलीट कर रहा हूँ। टेक्स्ट टूल लीजिए, स्पेस सेलेक्ट कर, नेम लिखिए, नेम लिखा है और वही टैब्स में जाइए, सभी को रिमूव ऑल कर दीजिए। मेरे को टैब चाहिए 3.5 पे तो 3.5 टाइप कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। देखिए डिफ़ॉल्ट लेफ्ट यानी लेफ्ट से मैटर स्टार्ट होकर राइट में जाता है तो डिफ़ॉल्ट आपका लेफ्ट टैब लग जाता है। मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, ओके करता हूँ, टैब प्रेस करिए, कर्सर 3.5 पे आ गया। पर देखिए मैं मैटर लिख रहा हूँ, देखिए क्या होता है, देखिए फिर एफ नेम, मोबाइल नंबर, तो देखिए ये देखिए ये जो आपने टैब लगाया है ये 3 पॉइंट, देखिए इसका सिंबल जो आइकन भी है तो देखिए आपका दोनों साइड बना हुआ है जिसे उल्टा टी कह सकते हैं। इसका मतलब आधा मैटर इधर जाएगा लेफ्ट और आधा राइट में जाएगा। तो देखिए ये देखिए इस तरह से ये आपकी सेंटर टैब है। तो सेंटर टैब में क्या होता है, जो भी आप टेक्स्ट मैटर लिखेंगे टैब लगा देंगे बाद में तो मैटर विल गो बोथ साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो इस तरह से ये सेंटर टैब का यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम राइट टैब की बात करते हैं। ये आपका राइट टैब है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल राइट में क्या हो रहा है कि राइट साइड के सारे अलाइनमेंट इक्वल है और ये सारा का सारा मैटर आपका इस साइड जा रहा है लेफ्ट साइड। चलो इसको लगा के देखते हैं हम। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ पहले से लिखा हुआ मैटर, टेक्स्ट टूल लिया, जगह मैंने सेलेक्ट किया, वही टैब्स रिमूव ऑल, और मेरे को मान लीजिए ये 4 पे चाहिए, ऐड किया और मेरे को ये चाहिए था राइट, ओके करें, नेम, टैब प्रेस किया, इसमें आपका मैटर राइट से स्टार्ट होके लेफ्ट की साइड मूव हो रहा है, इसे हम राइट टैब कहते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करेगा ये बहुत इजी वे में समझ में आएगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम डेसिमल टैब्स। ये आपका डेसिमल टैब, डेसिमल टैब्स में क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू में डेसिमल लगाने के बाद में
जितना भी डेसिमल बाद में फिगर या न्यू नंबर्स राइट करेंगे वो राइट साइड जाएगा, और जब तक आप डेसिमल नहीं लगाएंगे तब तक वो सारी की सारी वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड जाएगी। ये डेसिमल टैप से हम कोशिश करते इसको यूज करके, ये जो पहले से टैक्स मैटर लिखा है मैं इसको डिलीट करता हूँ। टैक्स टूल लिया, जगह मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे लिखा हूँ मैं आइटम में और टेक्स्ट टैब्स, मेरे को ये टैब चाहिए फोर, सॉरी पहले इनको सभी को रिमूव करते हैं, फोर पे चाहिए टैग, और इसमें हम यूज़ करते हैं डेसिमल टैब्स, ओके करते हैं। नेम है गोल्ड रिंग, यहाँ पे मैं कोई भी अमाउंट लिख रहा हूँ, देखिए इस तरह से ये आपका लेफ्ट साइड मूव हो रहा है, जो मेरे डेसिमल लगा है, अब जो भी डेसिमल होंगे वो आपके राइट साइड में होंगे। देखिए वही नंबर्स आपके लेफ्ट साइड में मूव हो रहे हैं, जो डेसिमल लगाएंगे अब डेसिमल के बाद में जितनी भी आप डिजिट या वैल्यू लिखेंगे वो सारे के सारे आपके राइट साइड में होंगे। तो ये था आपका डेसिमल टैब्स। अब यहाँ पे है लीडर्स, देखिए ये जो डैश डैश है इसे हम लीडर कहते हैं, तो ये लीडर हम चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं बिल्कुल। ये जो डॉट डॉट आ रहे हैं ये लीडर्स होते हैं, इन लीडर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसको एक बार कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करिए जो अपने पहले से टैब लगा रखा है, टैब्स में जाइएगा, लीडर हमने ऑन कर रखा है और यह लीडर ऑप्शंस क्लिक करिए। किस तरह का लीडर चाहिए आप, किस तरह का सिंबल चाहिए, किस तरह से चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, कैसा चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए। बिटवीन डिस्टेंस देखिए यहाँ पे देखिए आ रहा है कितना डिस्टेंस ये करते हुए, वो सारा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। स्टाइल चेंज कर सकते हैं, डिस्टेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं, ओके तो कहाँ से लीडर ऑप्शंस, बिल्कुल ओके करिए। ये देखिए क्योंकि कॉरिडोर में लीडर का बहुत यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है, कोई भी हम जॉब वर्क करते हैं, कोई भी ग्राफिक बनाते हैं तो हमें बार बार यूज करना पड़ता है लीडर्स की। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की। ओके थैंक यू, बाय बाय।